नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपके लिए कर रहे हैं भौतिक विज्ञान से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर रहेगा दोस्तों जूल। प्रश्न दूसरा, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? इसका आंसर है दोस्तों दूरी का। अगला प्रश्न है, ल्यूमेंस किसका मात्रक है? इसका आंसर है ज्योति फल्क का। नंबर चौथा है दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका आंसर है रेडियो एक्टिव धारिता। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका आंसर है दोस्तों द्रव्यमान। छठवां प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका आंसर है तृतीय नियम। सातवां प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? इसका आंसर है संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न दोस्तों आठवां, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। नौवां प्रश्न है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? इसका आंसर है गति का पहला नियम। दसवां प्रश्न है दोस्तों, समुद्र में फलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका आंसर है दोस्तों 1/10। ग्यारहवां प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? इसका आंसर है दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा। बारहवां प्रश्न है, स्वचालित वाहन में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुत किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? इसका आंसर है दोस्तों पास्कल का नियम। तेरहवां प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? इसका आंसर है दोस्तों अपकेंद्रीय बल से। चौदहवां क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है रेखीय संवेग के। पंद्रहवां प्रश्न दोस्तों, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। दोस्तों सोलहवां प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? इसका आंसर है 1/6। प्रश्न नंबर 17, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? इसका आंसर है पृष्ठ तनाव। 18 प्रश्न है दोस्तों, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। 19वां प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। 20वां प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? इसका आंसर है फ्लेवन का नियम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक भौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है न्यूटन। 22वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वा बल का सही मान है? इसका आंसर है 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, 23वां, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इसका आंसर है दोस्तों 746 वाट का। 24वां प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। 25वां प्रश्न है, एक गेंद को क्षेत्र से कितने कोण पर फेंके कि यदि अधिकतम क्षेत्र दूरी तय कर सके? इसका आंसर है 45 डिग्री। 26वां प्रश्न है, किस
किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। 27वां प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? इसका आंसर है 36 से 45 अंश का कोण। 28वां प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोल्ड ने। 29वां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका आंसर है डेवी ने। 30वां प्रश्न है, वाफ इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? इसका आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। 31वां प्रश्न है, ताप एवं तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है सीबी के प्रभाव पर। 32वां प्रश्न दोस्तों, पूर्व विकिरणी उत्तामापी किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है स्टीफन के नियम पर। 33वां प्रश्न है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों पूर्व विकिरण उत्तामापी द्वारा। 34वां प्रश्न है दोस्तों, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापी एक ही होते हैं? दोस्तों इसका आंसर है -40 डिग्री। 35वां प्रश्न दोस्तों, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? इसका आंसर है दोस्तों 32 डिग्री के। 36वां प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37वां प्रश्न दोस्तों, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है परमाणु घड़ियां। 38वां प्रश्न दोस्तों, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों 140 डिग्री फारेनहाइट। 39वां प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इसका आंसर है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। 40वां प्रश्न है दोस्तों, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में ही क्यों फटते हैं? इसका आंसर है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। अगला 41वां प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंदर स्थान में जल का क्या तापमान होता है? तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संरक्षण साचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? इसका आंसर है दोस्तों चालन। अगला प्रश्न है 43वां, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? इसका आंसर है स्वाहन। अगला प्रश्न है दोस्तों 44वां, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? इसका आंसर है विकिरण। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि से माध्यम आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों विकिरण। 46वां प्रश्न दोस्तों, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम से कण गति नहीं करती कौन सी है? इसका आंसर भी है दोस्तों विकिरण। 47वां प्रश्न दोस्तों, अणिवक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संवेक्षण क्या कहलाता है? इसका आंसर है शवाहन। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इसका आंसर है अपरक्त किरण। 49वां प्रश्न दोस्तों, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? इसका आंसर है दोस्तों ऊपर सफ़ेद नीचे काला। 50वां प्रश्न दोस्तों, किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थॉमस फ्लास्क की दीवार पर कलाई की जाती है? इसका आंसर है विकिरण की। 51वां प्रश्न है दोस्तों, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है?
इसका आंसर है दोस्तों जल। अगला प्रश्न है दोस्तों 52वां, शुद्ध पदार्थ में कौन कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसे गलांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है दोस्तों घट जाता है। अगला है 53, अपद्रवों को मिलाने से गलांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है दोस्तों घट जाता है। अगला 54वां प्रश्न है दोस्तों, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? इसका आंसर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर। 55वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किसी द्रव पर उनकी क्वथनांक से पूर्व उनके भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है वापसीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष ऊर्जा को संकल्पना ऊष्म गति गतिकी के किस नियम से मिलती है? इसका आंसर है प्रथम नियम से। 57वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण। 58वां नंबर किस बिंदु पर फॉरेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? इसका आंसर है 160F। 59वां नंबर, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है पिंड के द्रव पर। 60वां नंबर, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 K के बराबर होता है? इसका आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। 61वां नंबर दोस्तों, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? इसका आंसर है केवल उच्च तरंग दैर्ध्य। अगला है दोस्तों 62वां, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होती है? इसका आंसर है साफ मौसम। अगला है नंबर 63, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका आंसर है वाष्पीकरण के कारण। अगला है दोस्तों 64, पराश्रम तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न की थी? इसका आंसर है दोस्तों गल्टन ने। अगला है दोस्तों 65वां, ध्वनि का तनाव किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है आवृत्ति पर। अगला है दोस्तों 66, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों पराश्रम तरंग का। अगला है दोस्तों 67, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? इसका आंसर है दोस्तों 20 से 20,000 Hz से। अगला है दोस्तों 68वां, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इसका आंसर है दोस्तों लोहा। अगला है दोस्तों 69वां, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? इसका आंसर है दोस्तों तारत्व का। अगला है दोस्तों 70वां, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इसका आंसर है दोस्तों हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? इसका आंसर है ध्रुवण। अगला है दोस्तों 72वां, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? इसका आंसर है दोस्तों 1/10 सेकेंड तक। अगला है दोस्तों 73, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? इसका आंसर है दोस्तों परावर्तन। अगला है दोस्तों, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने दूर खड़ा रहना चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों 56 फीट। अगला प्रश्न दोस्तों 75वां, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है दोस्तों परावर्तन। अगला है दोस्तों 76, पास आती रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति या क्षीणता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? इसका आंसर है दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला है दोस्तों 77, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों अवरक्त तरंग। अगला है दोस्तों 78वां, एक जेट वायुयान 2 मैक के बैग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का बैग 332 मीटर सेकेंड है तो वायु की चाल कितनी होगी? इसका आंसर दोस्तों 666 मीटर पर सेकेंड। अगला है दोस्तों 79, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? इसका आंसर दोस्तों लोहा। अगला प्रश्न दोस्तों 80वां, एक जैव वर्दी जिससे पराश्रम ध्वनि
का उपयोग किस किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों सोनोग्राफी। अगला है दोस्तों 81 में कौन सी तरंगे शून्य में क्षरण नहीं कर सकती? इसका आंसर है दोस्तों ध्वनि। अगला है दोस्तों वह उपक्रम जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा शिशु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर दोस्तों सोनार। अगला है दोस्तों 83 प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका आंसर है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। अगला है दोस्तों 84 प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रति स्थापित किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों हाइगेंस। सॉरी दोस्तों 84 फिर से प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर दोस्तों हाइगेंस के द्वारा। अगला दोस्तों लास्ट में प्रश्न 85 में किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? इसका आंसर है दोस्तों ध्रुवण। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।